और इस समय एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खास तौर पर जो थीम है, जो फोकस है इसका, वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने गोवा से, और ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं उनको कैसे एक मंच पर लेकर आया जाए, ये इस प्रदर्शनी में खास तौर पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री उसके बारे में जो आयोजक हैं और जो प्रदर्शक हैं उनसे जानकारी लेते हुए प्लीज माननीय मोदी जी ऐकपाक सगळे जण आयल्या मधी उभे आते बसून घ्यात। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 या महारैलीक आमका एड्रेस करपाक देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हंगसर आयल्यात। तांचे नेटान ताळ्यो वाजोवन तुम्ही सगळ्या गोयकारांनी स्वागत करचे, आभार व्यक्त करचे। आमच्या बरोबर या कार्यक्रमांक उपस्थित असात आमचे राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लेजी, आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ नाईक, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानवडे, सभापती श्री रमेश तवडकर, व्यासपीठाचेर आशिले बाकीचे सगळे मंत्रिमंडळातले माझे वांगडी, समोर आशितले सगळे आमचे आमदार, सरकारी अधिकारी, बाकी सगळ्या माझ्या गोयकार भाव आणि भयणांनो, विशेष करून आम्ही म्हणता त्या गोय सरकारच्या बेनिफिशरीज योजनांचो फायदो घेऊपाक आणि तुमच्यापर्यंत पावपाक ह्या आयल्या विशाल सभेक परत एकदा हांव तुमचे खूप खूप स्वागत करता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांच्या अंत्योदय ग्रामोदय सर्वोदय तत्वाचेर चलपी हे सरकार आम्ही विकसित भारत आणि विकसित गोय हे करपा खातीरच आम्ही त्यांच्या पावलाचेर पावल वळिता असताना सातत्यात आम्ही सगळ्यो गजाली माननीय मोदीजी ज्यो सांगत असा त्यो गोयात आयज परेत करीत आयल्या। तांचे मिशन क्लीन इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया हे सगळ्यो गजाली गोयात त्याच पद्धतीत आम्ही इम्प्लिमेंट केल्या आणि म्हणून तर आम्ही फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया हे साकार करता असताना फिट गोवा, स्किल्ड गोवा, इन्क्लुझिव्ह गोवा हे आम्ही साकार करपाक शकले। हांव जेन्ना फिट गोवाचेर उलयता तेन्ना नॅशनल गेम्स आसतले, खेलो इंडिया आसतली, हाज्या सारखिले वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही गोव्यात घेतले। हांव स्किल इंडियाचेर आणि स्किल्ड गोवाचेर उलयता असताना प्रधानमंत्री कौशल्य योजना, मुख्यमंत्री कौशल्य योजना, PMKVY 1, 2, 3 असे वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही स्किल्ड करपा खातीर आयोजन केले। आणि इन्क्लुझिव्ह इंडिया सांगता असताना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल आम्ही गोयात आयोजन करून इन्क्लुझिव्ह गोवा हे जगाक आणि भारताक दाखवून दिले, हेच इन्क्लुझिव्ह गोवा असा। आमकां सगळ्या जणांक खबर असा की डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात फाटल्या 10 वर्सांक या राज्यात वेगवेगळो विकास आम्ही करपाक शकले। जवळपास 30,000 कोटी पेक्षा चढ पैसे खर्च करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट आम्ही हंगासर डेव्हलप केले। आयच्या घडीक आम्ही 5 प्रोजेक्ट भितरल्या 3 प्रोजेक्टाचे उक्तावण माननीय प्रधानमंत्रीच्या हस्ते करता आणि 2 प्रोजेक्टांचे फाउंडेशन स्टोन घालता। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोवा एट कुंकलीम 390 कोटीचो प्रोजेक्ट आज प्रशस्त अशा नव्या बिल्डिंगेत तुम्ही सगळे जाण वता, तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन परत एकदा। NIT चे खूप मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन, सगळ्यातलो बऱ्यातलो बरो कॅम्पस आज तुमका मेळा, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी लोकार्पण करता। आम्ही सातत्यात पळयता की माननीय मोदीजी हे ब्लू रिव्होल्युशनाचेर उलयता आणि बिंग अ गोवा कोस्टल स्टेट इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवा, द फर्स्ट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स दोना पाऊल आज आम्ही लोकार्पण करता, तुमचेही खूप खूप अभिनंदन। आज पुराय भारतातले पहिलेच नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आम्ही लोकार्पण करता असताना मना काळजातल्यान खूप खोस भोगता, हाका जाय आशिल्ली स्किल्ड मॅनपावर आज गोयातल्यान तयार जातली हे आमकां प्राऊड फील जाता। सदांच आम्ही पळयता की स्वच्छ भारत मिशन
हे माननीय मोदीजी चौदान सुरुवात केले आणि तेच पुढे वरता असताना स्वच्छ भारत स्वच्छ गोय जाऊचे ही संकल्पना आम्ही गोयात राबवली आणि आज दुसरो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट काकोडा हंगासर आम्ही उक्तावण करता ते आमकां तितकेच प्राउड फील जाता। आम्ही सगळे जाण स्वच्छ गोय नितळ गोय हे दवरपा खातीर सातत्यान वावुरतले। गोय हे जितके नितळ असतले तितके टुरिजम खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतले। आज दोन प्रोजेक्टांचे आम्ही माननीय प्रधानमंत्रींच्या हस्ते फाउंडेशन स्टोन घालता। गोय हे सदांच टुरिजम डेस्टिनेशन देशाची टुरिजम राजधानी म्हणून वळखता। त्या टुरिजमान आणि एक भर घालपा खातीर आज आम्ही रोपवे ओवर द मांडवी ब्रिज फ्रॉम द पेंजीम टू द रईस मांगोस या प्रोजेक्टाचो जवळपास 290 कोटी पीपीपी बेसिसाचेर आम्ही फाउंडेशन स्टोन घालता आणि तोय जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट आम्ही पुराय करतले। हर घर नल से जल जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची योजना आणि या योजनेच्या सकयल प्रत्येकाक हर घर जल दिवपाक आम्ही यशस्वी झाले। पण ते जल 24/7 दिवपा खातीर 100 ml पाण आज आम्ही शेळपे हंगासर आमच्या साळावलीच्या धरणाचेर फाउंडेशन स्टोन घालता। या कामा खातीर हांव सगळ्या जणांक अभिनंदन करता। आम्ही पळयता की आज आम्ही रोजगार मेळावा आयोजन केला। फाटल्या 10 वर्सांक तशें पळयत जाल्यार हजारांनी भुरग्यांक आम्ही गव्हर्मेंटात आणि प्रायव्हेट सेक्टरात नोकऱ्यो दिवपाक शकले। आज जेंका रोजगाराची प्रमाणपत्र मेळटले वेगवेगळ्या स्किमीच्या योजनांच्यो प्रमाणपत्र मेळटले त्या सगळ्यांचे आम्ही एडवान्स खूप खूप अभिनंदन करता। आणि त्याच बरोबर जवळपास या गोयात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता असताना जाव तो जुवारी पूल जाव तो अटल सेतू जाव ते मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट किंवा आयुष हॉस्पिटल अशा सारखिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आम्ही करपाक शकले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामातले जवळपास 7 फ्लॅगशीप प्रोग्राम आम्ही 100% सॅच्युरेशन करपाक शकले। 100% हाऊसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन 100% ओपन डेफिकेशन फ्री 100% LPG गॅस कनेक्शन आणि 100% गावांनी रस्ते ह्यो सगळ्यो गजाली आम्ही फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकारच्या कार्यकाळात दिवपाक शकले हे आज पर्यंत शक्य जाऊ नाशिले। मोदी जी है तो ये मुमकिन है हे वाक्य सदांच आम्ही ऐकलं आणि म्हणून तर आम्ही पळयता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर असतले इज ऑफ डुईंग द बिझनेस असतलो इज ऑफ लिव्हिंग असतले या सारख्यो गजाली करता असताना 100% DBT करपाचे डायरेक्ट बेनिफिट टक्के करपाचे राज्य पहिले राज्य जर असत जाल्यार ते गोय राज्य असा हाजो आमकां सार्थ अभिमान असा। आम्ही पळयता की अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यो योजना पावोवपा खातीर सदोदीत आम्ही माननीय मोदीजींची आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना स्वयंपूर्ण गोयात आम्ही साकार केली आणि स्वयंपूर्ण साकार करता असताना इट इज अ हाऊसिंग फॉर ऑल फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल सगळ्यो गजाली आम्ही त्यांच्यापर्यंत पावोवपाक शकले। सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल इन्शुरन्स फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर ऑल अश्यो वेगवेगळ्यो योजना ह्यो आम्ही त्यांच्यापर्यंत पावोवपाक शकले हे फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकारच्या कार्यकाळा खातीर। स्वयंपूर्ण गोय 2.0 या कार्यक्रमात स्किलिंग रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग ह्याच्यावर आम्ही भर दिता असताना सगळ्यांक स्किलिंग करपाचे स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केल्या आणि म्हणून तर हे वेगवेगळे कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करता असताना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी असलेली 2020 कोडिंग आणि रोबोटिक असतले की या PM विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे हा गोयकारांच्या हस्ते अभिनंदन करता। PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च केल्याबद्दल पहिलेच फावटी या देशात जो फुलकार असतलो वड्याकार असतलो कलेकार असतलो तुमचो नुसत्याकार असतलो या सगळ्या जणांक आयडेंटिफिकेशन दिवपाचे काम जर कोणी केले असत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्ले असा त्या खातीर हांव तांकां धन्यवाद दिता। आणि पहिलेच फावटी तांकां आम्ही म्हणटा की फक्त आयडेंटिफिकेशन आणि स्किलिंग न्ही तर तांकां लोन सुद्धा दिवपाचे काम जर कोणी केले असत जाल्यार माननीय मोदीजीत केले। गॅरंटी कोणाची मोदीजीची गॅरंटी असा तांकां इजिली लोन अवेलेबल करून दिवपाची। आणि पुराय हे सरकार आमच्या 4 पिलरांचेर चलता। पहिलो पिलर जो असा
तिजा नारी शक्ति, दुसरो पिलर युवा शक्ति, तिसरो पिलर जो आसा किसान शक्ति, आणि चौथो पिलर जो आसा गरीब कल्याण। नारी शक्ती सांगता असताना 33% रिजर्वेशन असतले, 3 तलाक रद्द केले असतले, खऱ्या अर्थात नारीक सन्मान दिवपाचे काम जर कोणी केले असत जाल्यार माननीय मोदीजीत केले, ताज्या खातीर हांव माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता। युवा शक्ती खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणता की स्किलिंग रिस्किलिंग अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जर कोणी दिले असत जाल्यार ते माननीय मोदीजीत केले, या खातीर समेस्त गोयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजीचे अभिनंदन करता हांव। किसान शक्ती पहिलेच फावटी त्या किसानाक आम्ही म्हणता की खऱ्या अर्थात तांकां किसान कार्ड दिवपाचे, किसान इन्शुरन्स दिवपाचे काम डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात कळला, आणि ताका लागून यही समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है। अरे गेल्या 60 वर्षांक आम्ही पळयता गोयात जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट झाली जाल्यार फक्त या 10 वर्षांक झाली, आणि ती फक्त आणि फक्त कोणा खातीर झालो, मोदीजीच्या खातीर झालो, कोणा खातीर झालो, कोणा खातीर झालो। परत एकदा डबल इंजिनचे सरकार हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ माननीय मोदीजीक जाय, दितले काय ना? परत एकदा डबल इंजिन सरकारात हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ मोदीजी खातीर जाय, दितले काय ना? जाल्यार माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून भारत पताके, भारत पताके, वंदे वंदे मोदी जी, आप आगे बढ़ो मोदी जी, आप आगे बढ़ो। परत एकदा सबेस्त गोयकारांक खूप खूप धन्यवाद, तुमका थोड्या जणांक वताक उभे रावचे पडले त्या खातीर अक्षरशः तुमचे आभार मानता, आणि माझे दोन उतरां सोपयता, देव बरे करू। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास कार्य को सूचित करने वाले पट्टिकाओं का अनावरण तथा प्रकल्पों का वर्चुअल उद्घाटन करें। गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के युवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी गण, अन्य महानुभाव और गोवा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, समेस्त गोयंकारां का मना कालजा सावन नमस्कार। तुमचो मोग आणि उर्बा पुडोन माका गोयांत येवन सदांच खोस जाता। साथियों, गोवा को यहां के सुंदर समुद्र तटों के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए हमारा गोवा जाना जाता है। देश विदेश के लाखों पर्यटकों का फेवरेट होलीडे डेस्टिनेशन गोवा ही है। किसी भी सीजन में यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत को महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही गोवा की एक और पहचान भी है,
गोवा की इस धरती ने कई महान संतों, मशहूर कलाकारों और विद्वानों को भी जन्म दिया है। आज मैं उन्हें भी याद करना चाहता हूं। संत सोयरोबनाथ आम्बिये, आद्य नाटककार कृष्ण भट्ट बांधकर, सूरश्री केसरबाई केरकर, आचार्य धर्मानंद कौसंबी और रघुनाथ मासेलकर जैसी हस्तियों ने गोवा की पहचान को समृद्ध किया। यहां से कुछ दूर पर स्थित मंगेशी मंदिर से भारत रत्न लता मंगेशकर जी का गहरा नाता रहा है। आज लता दीदी की पुण्यतिथि भी है, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यही मड़गांव के दामोदर साल में स्वामी विवेकानंद को एक नई प्रेरणा मिली थी। यहां का ऐतिहासिक लोहिया मैदान इस बात का प्रमाण है कि जब देश के लिए कुछ करने की बात आती है तो गोवा के लोग कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। कंकोलिम का चिप डांस मेमोरियल गोवा के शौर्य का प्रतीक है। साथियों, इस साल एक महत्वपूर्ण आयोजन भी होने वाला है। इसी साल सेंट फ्रांसिस जेवियर के रेलिस की एक्सपोजिशन, जिसे आप गोयंचो साहिब के नाम से जानते हैं, वो भी होने वाली है। हर दो साल में होने वाली ये एक्सपोजिशन हमें शांति और सद्भाव का संदेश देती है। मुझे याद है जॉर्जिया की क्वीन सेंट केटेवान का जिक्र तो मैं मन की बात में भी कर चुका हूं। सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिस को जब हमारे विदेश मंत्री जॉर्जिया लेकर गए थे तो वहां जैसे उनका पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधि तब एयरपोर्ट पर आए थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी और अन्य धर्मों के लोग जिस तरह गोवा में मिलजुल कर रहते हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत अद्भुत मिसाल है। साथियों, अब से कुछ देर पहले गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी।
आज यहां जिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है उससे गोवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आज यहां 1900 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं आप सभी को इन सभी कल्याण कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। यहां अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की, लोगों में झूठ फैलाने की राजनीति की है, लेकिन गोवा ने ऐसे दलों को करारा जवाब दिया है और बार बार दिया है। साथियों, अपने इतने वर्षों के राज में गोवा की भाजपा सरकार ने सुशासन का एक मॉडल विकसित किया है, स्वयं पूर्ण गोवा। इस अभियान को जिस प्रकार गोवा गति दे रहा है वो वाकई अभूतपूर्व है। इसी का परिणाम है आज गोवा के लोगों की गिनती देश के सबसे खुशहाल लोगों में होती है। डबल इंजन की वजह से गोवा के विकास की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है। गोवा वो राज्य है जहां के 100% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। गोवा वो राज्य है जहां 100% घरों में बिजली कनेक्शन है। गोवा वहां वो राज्य है जहां घरेलू एलपीजी की कवरेज 100% हो चुकी है। गोवा वो राज्य है जो पूरी तरह केरोसिन मुक्त है। गोवा पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से कई योजनाओं में गोवा 100% सैचुरेशन हासिल कर चुका है। और हम सब जानते हैं जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचता है। जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है, सैचुरेशन ही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सैचुरेशन गोवा को, देश को मोदी की गारंटी है।
इसी सैचुरेशन के लक्ष्य के लिए अभी देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी। गोवा में भी 30,000 से ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़े। जो कुछ लोग सरकार की योजनाओं से अब भी वंचित रह गए थे, उन्हें भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से बहुत लाभ मिला है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले जो बजट आया है उसमें भी सैचुरेशन के, गरीब से गरीब सेवा के हमारे संकल्प को मजबूती दी है। आप जानते हैं कि हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा कर लिया। अब हमारी गारंटी है कि 2 करोड़ और परिवारों को घर बना करके देंगे। और मैं गोवा के मेरे साथियों आपसे भी कहता हूं, आपके गांव में, आपके इलाके में अगर कोई परिवार पक्के घर से छूट गया हो, अगर आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो उनको बताना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने गारंटी दी है कि आपका मकान भी पक्का बन जाएगा। इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत इसके विस्तार की घोषणा की है। हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी विस्तार किया है। अब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई है। साथियों, इस बजट में हमारे मछुआरे साथियों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली मदद अब और बढ़ाई जाएगी। इससे मछुआरों को अधिक सुविधा और साधन मिलेंगे। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी वृद्धि होगी और मछुआरों को ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे प्रयासों से फिशरीज के सेक्टर में ही लाखों नए रोजगार बनने की संभावना है। साथियों, मछली पालकों के हित में जितना काम हमारी सरकार ने किया है, उतना किसी ने पहले नहीं किया। हमने ही मछली पालकों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मंत्रालय बनाया। हमने ही मछली पालकों को किसान क्रेडिट की कार्ड की सुविधा दी। हमारी सरकार ने मछली पालकों की बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। उनकी नावों को आधुनिक बनाने के लिए हमारी सरकार सब्सिडी भी दे रही है। भाई और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण के लिए बड़ी योजना चलाने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप खुद देख रहे हैं देश में कितनी तेजी से रोड, रेल, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इस वर्ष के बजट में इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। जबकि 10 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम खर्च किया जाता था। जहां भी
विकास के प्रोजेक्ट चलते हैं वहां रोजगार की नई संभावनाएं जन्म लेती है, इससे हर व्यक्ति की कमाई बढ़ती है। साथियों, हमारी सरकार गोवा में कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ही इसे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी काम कर रही है। हमने जो गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है उससे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जुड़ रही है। पिछले साल देश के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज न्यू जुवारी ब्रिज का लोकार्पण किया गया है। गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास, नई सड़कें, नए पुल, नए रेलवे रूट, नए शिक्षा संस्थान, सभी कुछ यहां के विकास को नई गति देने वाले हैं। साथियों, भारत हमेशा से नेचर, कल्चर और हेरिटेज की दृष्टि से समृद्ध रहा। दुनिया में लोग अलग अलग तरह के टूरिज्म के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। भारत में हर प्रकार का टूरिज्म एक ही देश में एक ही वीजा पर उपलब्ध है। लेकिन 2014 से पहले जो सरकार देश में थी उसने इन सभी पर इतना ध्यान नहीं दिया। पहले की सरकारों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए, हमारे समुद्री किनारों के विकास के लिए, द्वीपों के विकास के लिए कोई विजन नहीं था। अच्छी सड़कों, अच्छी ट्रेनों और एयरपोर्ट की कमी के कारण अनेक पर्यटक स्थल गुमनाम रहे। बीते 10 वर्षों में से ये सारी कमियां हमने दूर करने का प्रयास किया। गोवा की डबल इंजन सरकार भी यहां पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। पणजी से रीस मगोस को जोड़ने वाला रोपवे बनने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के साथ आधुनिक सुविधाएं भी डेवलप की जाएगी। फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, वेटिंग रूम समेत कई तरह की सुविधाएं होने से ये गोवा में आकर्षण का नया केंद्र बन जाएगा। साथियों, हमारी सरकार अब गोवा को एक नए प्रकार के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित कर रही है। ये है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। आज सुबह ही मैं इंडिया एनर्जी वीक के इवेंट में था। गोवा में G20 की भी कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। गोवा ने बीते सालों में बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग को भी होस्ट किया है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, वर्ल्ड बीच वॉलीबॉल टूर, फीफा अंडर 17 वुमन फुटबॉल वर्ल्ड कप, 37वें नेशनल गेम्स, इन सभी का आयोजन भी गोवा में हुआ है। ऐसे हर इवेंट से पूरी दुनिया में गोवा का नाम और गोवा की पहचान पहुंच रही है। आने वाले सालों में डबल इंजन सरकार गोवा को ऐसे आयोजनों का बड़ा सेंटर बनाने जा रही है।
और आप भी जानते हैं ऐसे हर आयोजन से गोवा के लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती है। साथियों, गोवा में नेशनल गेम्स के लिए जो आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ विकसित किया गया है, वो भी यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स को बहुत मदद करेगा। मुझे बताया गया है कि जब गोवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, तो उस दौरान नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले गोवा के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया था। मैं गोवा के ऐसे हर युवा खिलाड़ी को फिर से बधाई देता हूं। और साथियों, जब खेलों की इतनी बात हो रही है, तो गोवा के फुटबॉल को कौन भूल सकता है। आज भी गोवा के फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ के फुटबॉल क्लब देश और दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। फुटबॉल जैसे खेल में अमूल्य योगदान के लिए गोवा के ही ब्रह्मानंद शंखावकर जी को हमारी सरकार ने 2 साल पहले पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज हमारी सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से यहाँ फुटबॉल सहित अनेक खेलों को आगे बढ़ा रही है। साथियों, स्पोर्ट्स और टूरिज्म के अलावा पिछले कुछ वर्षों से गोवा की एक और पहचान देश भर में बनी है। हमारी सरकार गोवा को एक बड़े एजुकेशन हब के रूप में प्रमोट कर रही है। यहाँ के कई संस्थान देश भर के स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम इंस्टीट्यूट बन गए हैं। आज जो नए संस्थान शुरू हुए हैं, वो भी गोवा के युवाओं को देश में बन रहे नए अवसरों के लिए तैयार करेंगे। युवाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बजट में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। रिसर्च और इनोवेशन पर 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। इससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और इसका फायदा इंडस्ट्री को होगा, हमारे युवाओं को होगा। भाई और बहनों, गोवा के तेज विकास के लिए सबका प्रयास जरूरी है। मुझे गोवा के सभी परिवारजनों पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि मोदी की गारंटी से गोवा के हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। फिर एक बार आप सभी को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम 2,000 लाभार्थियों को रोजगार प्रस्ताव पत्र की पेशकश को चिन्हित करने के लिए प्रतिनिधिक रूप में रोजगार प्रस्ताव पत्र जारी करें। स्वतंत्रता सेनानियों के 21 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रतिनिधिक रूप में किटी पार्कर को रोजगार प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। गोवा पुलिस में 2,000 संख्या में नई भर्तियां। प्रार्थना है महादेव माइनकर को रोजगार प्रमाण पत्र भेंट किया जाए। यही समय है। और अब विविध योजना के लाभार्थी बहुत संख्या में है। इस समारोह की गरिमा का सम्मान करते हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है, आप अपने कर कमलों से यह कार्य संपन्न करें। जनजातीय लोगों के लिए योजनाएं वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद दक्षिण गोवा लाभार्थी है दत्ता जरगांव वेली।
के परिवारजन यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सनत उत्तर गोवा लाभार्थी है गोखले तुलसी नायक। विधवा और अनाथ बच्चा लाभार्थी है फ्लॉयड थॉमस। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं लाडली लक्ष्मी लाभार्थी वालंका सिंधिया दबोरा। कृषि के लिए योजनाएं प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना चंदा कालिदास गांवकर। असंख्य भुजाओं की शक्ति है गली गली में देश भक्ति है तुम उठो तिरंगा लहरा दो भारत के भाग्य को फहरा दो नए भारत। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए योजनाएं श्री जैमसन नरोंग। यही समय है, यही समय है। मत्स्य पालन के लिए योजनाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वैलेंसियो जुजे फर्नांडिस। सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थी है इनाया शेख। गली गली में देश भक्ति है तुम उठो तिरंगा लहरा दो भारत के भाग्य को फहरा दो नए भारत को गढ़ने का यही समय है। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत ग्रामीण विकास के लिए स्त्री शक्ति योजनाएं सुश्री गौरी शिरोडकर मॉडल क्लस्टर यही समय है। वितरण श्रीमती लीना लुईस कुटीनो। यही समय है, यही समय है। स्वागत और इंटरेक्टिव टच पैनल का वितरण श्रीमती लीना लुईस कुटीनो। यही समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री